इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण पर योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी वैभव कृष्ण कथित अश्लील वीडियो के बाद विवादों में आए थे। एसएसपी वैभव कृष्ण को एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, सुधीर सिंह, हिमांशु कुमार, राजीव नारायण मिश्रा और गणेश साहा पर ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाने और षड्यंत्र के तहत मार्फ वीडियो बनाने का आरोप लगाए थे। वैभव कृष्ण का एक महिला से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। महिला से चैट का वायरल वीडियो की जांच गुजरात के एक फोरेंसिक लैब ने की थी। रिपोर्ट आते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वैभव कृष्ण ने इस वीडियो को फर्जी बताया था। आप भी सुने कि पिछले दिनों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। लोगों को ये संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उस मुकदमा को निष्पक्षता के लिए हम लोगों ने और गुणवत्ता और निष्पक्षता के आधार पे हम लोगों ने उसको हापुड़ स्थानांतरित किया, जो एसपी हापुड़ के अधीन उनके पर्यवेक्षण में ये किया जाएगा विवेचना। और साथ ही साथ ये निर्देशित किया गया कि आईजी मेरठ जो मेरठ रेंज, उनको बहुत ही क्लोजली इस पूरी विवेचना को सुपरवाइज करना है, ताकि तथ्यों की बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक और सही जानकारी देकर उसकी विवेचना की जा सके। आपको बता दें कि फोरेंसिक जांच में यह सामने आया है कि वीडियो सही है, साथ ही यह भी साबित हो गया है कि यह वीडियो मॉर्फ नहीं है। इस वीडियो की एडिटिंग, कटिंग, मिक्सिंग और मॉर्फिंग नहीं की गई है। वैभव ने वायरल वीडियो के संबंध में खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। इस वीडियो की जांच एडीजी और आईजी को कराने के निर्देश दिए गए थे। जांच के दौरान आईजी ने फोरेंसिक लैब को यह वीडियो भेजा था। इसके अलावा रामपुर के चर्चित एसएसपी अजय पाल शर्मा को भी तबादला कर दिया गया था। वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और कहा था कि यह वायरल वीडियो फर्जी है। पत्रकार वार्ता में शासन की ओर से भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट को भी लीक कर दिया गया था। अधिकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किए जाने की वजह से वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया है। प्रशासन ने वैभव कृष्ण के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के एडीजी एसएन साबत जांच करेंगे। प्रशासन ने जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। योगी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। वैभव कृष्ण प्रकरण में आरोपों के दायरे में आए सभी 5 आईपीएस अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है। इस मामले में 3 सदस्य एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी प्रमुख की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अफसर और डीजी विजिलेंस हितेश चंद्र अवस्थी की दी गई है। इसके साथ ही 2 सदस्य आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और एनडी जल निगम विकास गोठलवाल को बनाया गया है। योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच 15 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट आते ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए सभी 5 पुलिस अफसरों को फील्ड से हटाया गया है। इनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी को तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी संभालने का आदेश जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहली बार प्रशासन ने इतनी सख्ती से किसी के खिलाफ एक्शन लिया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।